मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से राजनीतिक हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा इसलिए भी अहम है कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ था और संगठन विस्तार को लेकर जेपी नड्डा ने बिहार इकाई के नेताओं को मंत्र दिया था। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार इन सब के बीच अब दिल्ली पहुंचे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के किन बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। लेकिन सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सीएम कई पहलुओं पर केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जेडीयू की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली में हैं और झारखंड को लेकर एनडीए में खींचतान चल रहा है, तो क्या नीतीश कुमार ये मामला सुलझाकर वापस लौटेंगे और झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए में उनकी बातचीत हो सकती है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की रूपरेखा अभी से तैयार होनी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा काफी अहम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए संगठन से जुड़ा हुआ फैसला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू में क्या बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनका यह दौरा निजी भी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से आखिर इस पर रिएक्शन क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।